बिहार अपडेट, उभरते बिहार की बदलती तस्वीर। आज मेरी फिल्म का मुहूर्त है श्रीमान सैया जी, और नए साल में मेरा फर्स्ट मुहूर्त होने जा रहा है इस फिल्म का। और इसके को स्टार मेरे जो हैं, हीरो हैं वो आनंद ओझा जी हैं, जिनके साथ मैंने हीरोगिरी की है और मेरी फर्स्ट इनके साथ फिल्म आई थी मुजरिम। हाँ और बस बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और काफ़ी सालों से मैं जानती हूँ इनको एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हमारी। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बेलू जी, फर्स्ट टाइम उनके साथ वर्क करने जा रही हूँ। आइए ना, आइए, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम वर्क करने जा रही हूँ और आई होप कि ये मुझे संभाल लेंगे। कमर्शियल फिल्म है, फुल टू एंटरटेनिंग, एंड जैसे कि हमेशा हमारी फिल्म्स आती है फुल एंटरटेनिंग होती है, सो इस फिल्म को भी हम बहुत अच्छी बनाएंगे और कोशिश करेंगे आप सबको पसंद आएगी। आनंद भाई, पहले मुजरिम की हीरोगिरी और अब श्रीमान सैया जी, वो भी काजल राघवानी के, सच में खुश नसीब हो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं सारे जो मीडिया बंधु हमारे आए हुए हैं और हमारे गेस्ट जो आए हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। नए साल में हम लोग एक नया धमाका लेकर आ रहे हैं श्रीमान सैया जी के, और श्रीमान सैया जी बनना और वो भी काजल राघवानी जी का, बहुत ही अंदर से एक्साइटेड फील कर रहा हूं मैं, क्योंकि दो बार हीरोगिरी हो गई, मुजरिम हो बन गए, लेकिन श्रीमान सैया जी बनने का एक मज़ा ही अलग है। और बेलू भाई के डायरेक्शन में मैंने अभी लव एक्सप्रेस में काम किया, बहुत ही मज़ा आया उस फिल्म को करने में, और ये फिल्म और अच्छा। सब्जेक्ट और को स्टार मेरी फेवरेट काजल जी हैं, इनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है। तो थैंक यू वेरी मच बेलू जी एंड काजल जी। बेलू जी, फिर से आनंद को एक बार आपने फिल्म में रखा, इतना विश्वास क्यों इस सिंगम पर? जी ऐसा है कि जब मैं फिल्म कर रहा था अपनी, इसके पहले ठीक पहले हम लोग लव एक्सप्रेस फिल्म कर में हम लोग एक साथ जुड़े, बतौर एक्टर वो थे और मैं डायरेक्टर था, तो हमारी ट्यूनिंग और हमारी केमिस्ट्री ऐसी जमी कि मतलब मैं एक बार नहीं, मैं बार बार चाहूँगा इनके साथ काम करना। बतौर एक्टर ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और मेरी जो दिल की बात है, जो मैं अंदर से सोचता हूँ, एक डायरेक्टर कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति जो है अपने करेक्टर को जैसा डिजाइन करके रखता है, तो वो चाहता है कि वो सामने वाला जो है वो वैसा ही करे। और मैं एक आपको तो पता है कि मैं एक एक्टर भी रहा हूँ, रंगमंच से रहा हूँ, तो मैं एक हर किरदार को मैं जीना चाहता हूँ, तो मैं खुद को देखता हूँ, तो वो मुझे इतना समझते हैं आनंद जी की, वो मुझे जिंदा करते हैं किरदार में, तो मुझे मज़ा आता है। और यही रीजन है कि हम लोग फिर से एक बार श्रीमान सैया जी में एक साथ जुड़े हैं, और काजल जी के साथ तो मैं पहली बार कर रहा हूँ भाई, बहुत दिन से चाहता था कि इनके साथ काम करूँ, और ये मौका मिला है, तो मैं हम चाहेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आप लोगों के बीच लेकर आए। और ये फिल्म जो है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चला होगा, श्रीमान सैया जी, मतलब जो सैया तो हैं ही, लेकिन उनके साथ श्रीमान भी लगा हुआ है, तो ये जो सैया हैं वो कैसे सैया हैं, और उनकी सैया की जो सजनियाँ हैं वो किस तरह की सजनियाँ हैं, वो आपको फिल्म में बहुत ही रोचक ढंग से मैं दिखाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे बहुत ही मजा आएगा आपको। काजल, पीछे जो पोस्टर मुझे भेजा गया जो फिल्म का, उसमें चश्मा लगा हुआ है आंखों पर काला, और आनंद जी को खींच के आप ले जा रहे हो, क्या फिल्म में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? जी जी, कॉमेडी। यस, ये हमने स्पेशली फोटोशूट किया है, बिकॉज हमारी स्टोरी कुछ इसी तरह की है, कुछ इंटरेस्टिंग है, सो इस वजह से, एंड यस आप सबको यही कुछ दिखने मिलेगा मज़ा।